जो नहर के जो गेट हैं पांच, उसमें को देखो पांच के पांच में से जो है पानी निकल रहा है। तो आगे से पानी निकल रहा है, वो ऐसे निकलता है भाई, देख सकते हो कितनी आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी मैं फ़िलहाल अपने घर से कुछ दूरी पर हूँ और 6-7 दिन हो गए थे गाइस मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया, घर कुछ काम था तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। तो आज मैं ब्लॉग बनाने के लिए एक अच्छी जगह पर जा रहा हूँ, एक डैम है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा और वो डैम जो है मैं आपको दिखाऊँगा। तो गाइस मेरे साथ में ये विनीत जा रहा है घूमने के लिए और हमारी रॉयल इनफील्ड तैयार है। इस रॉयल इनफील्ड से जो है हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। और गाइस हम आज इस अपनी रॉयल इनफील्ड से पहली बार जो है घूमने के लिए जा रहे हैं और मेरे पीछे में ये है नहर, देख सकते हो। रॉयल इनफील्ड पे घूमने के तो मज़े ही कुछ हो रहे हैं यार, मस्त वाली फीलिंग आ रही है। और डैम के तो हम काफ़ी करीब में आ गए हैं भाई, हमारे ठीक सामने पर डैम है, देखो वो दिख रहा होगा आपको भाई, डैम बिल्कुल हमारे सामने ही है, हम आपको देखो दिखाएंगे। तो गाइज़ हम आ चुके हैं डैम के बिल्कुल पास में, देख सकते हो ये है मेरे पीछे में रामगंगा डैम। भाई गेट के नीचे से पानी इतनी तेज़ निकल रहा है कि भाई इतनी आवाज़ आ रही है, देख सकते हो मेरे पीछे में बैकग्राउंड जो आवाज़ आ रही है वो पानी की आवाज़ आ रही है, पानी निकलते हुए की आवाज़ आ रही है भाई। जो मैंने नहर के बारे में बताया था तो ये नहर है देख सकते हो, और इसमें पानी छोड़ा जा रहा है। इसके टोटल 5 गेट हैं, देख सकते हो पानी वहाँ से छोड़ा गया है उस गेट के नीचे से जो पानी निकल रहा है, और जो आवाज़ आ रहा है वो पानी का ही आवाज़ आ रहा है। और गाइस मेरे पीछे में जो एक छोटा सा पार्क बनाया हुआ है जो कि यहाँ पर बैठ सकते हैं आराम से, टाइम से स्पेंड कर सकते हो, इसके अंदर भी हम जाके दिखाएंगे देखो आपको। गाइस पहले यहाँ पर भी घूम सकते थे तो यहाँ पर जो है बंद कर दिया गया है, इसको ब्लॉक कर दिया गया है ताकि कोई गिर ना जाए, और इधर भी घूम सकते थे, इधर का भी जो है ये बंद कर दिया गया है। ये मेरे पीछे में जो है ये रामगंगा है, और इस रामगंगा के टोटल 20 गेट्स हैं, इनके 20 गेट्स हैं, और इस डैम के टोटल 25 गेट हैं, 5 नहर के और 20 रामगंगा के। इस टाइम पर मैं रामगंगा के जो ब्रिज है मैं उस पर खड़ा हूँ, और ये काफ़ी बड़ा है भाई, वहाँ से देख सकते हो और इधर तक ये काफ़ी बड़ा जो है ब्रिज है। और इस डैम को भी देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है भाई ये। अभी हम ब्रिज पर खड़े हुए यहाँ पर मछली देख रहे हैं, कितनी छोटी छोटी मछली हैं देख सकते हो, देखो अभी ये सामने देखो कितनी छोटी छोटी जो है मछली आपको दिखाई दे रही होंगी। गाइस देख सकते हो मेरे पीछे में जहाँ तक आपकी नेट जा रही है वहाँ तक पानी पानी है, इसके चारों तरफ ये वहाँ तक जो है पानी इसमें इकट्ठा किया गया है, वो काफ़ी ख़तरनाक सा लग रहा है भाई नीचे से देखने में। ये देख सकते हो ये इसका गेट है, यहाँ से अभी पानी नहीं निकल रहा है, उसके पीछे में उस वाले गेट से जो है पानी निकाला गया।
गाइस इस ब्रिज के ऊपर को ट्रैक्टर या कोई ट्रक उतरता है तो भाई ये एकदम झूले की तरह जो है हिलता है, काफ़ी कंपन करता है ये। गाइस मेरे ठीक सामने पर कुछ लोग जो है मछली पकड़ रहे हैं, देखो आपको दिखाते हैं कैसे पकड़ते हैं जो है ये मछली। और गाइस यहाँ पर देखो ये जो है मछली पकड़ रहे हैं। जो रामगंगा में को जो पानी छोड़ा गया है वो टोटल दो गेट से अभी छोड़ा गया है, देखो मैं दिखाऊंगा कैसे पानी निकल रहा है। गाइस गेट के कोनों में से पानी निकल रहा है भाई, और नीचे से सबसे ज़्यादा जो पानी निकल रहा है गेट के कोनों में से जो है पानी निकल रहा है। अभी जो गाइस हम जा रहे हैं इस पार्क के अंदर जा रहे हैं, देख सकते हो जो मैंने बताया था अभी, ये विनीत अपना ब्लॉग बना रहा है। गाइस आ चुके हैं इस पार्क में, और तो यहाँ से पानी का जो है नज़ारा देखते हुए कैसे निकल रहा है पानी। गाइस पानी के किनारे पर ये पार्क बना हुआ है, एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही है भाई, गर्मी का पता ही नहीं चल रहा। छोटा सा पार्क है, आराम से पूरा एंजॉय कर सकते हो भाई आके, एकदम कमाल का भाई। ये ऐसी जगह है, एकदम कमाल की जगह है यार, बिंदास एंजॉय कर सकते हो। पीछे में आराम से छोटे छोटे से जो है व्यू आपको देखने को मिलेंगे, और सामने जो पानी के अंदर से जो ये बना हुआ है ये छोटा सा ब्रिज सा, इस पर पहले घूमने जा सकते थे जो अब बंद कर दिया गया है इसको। गाइस मैं जा रहा हूँ अब डैम की दूसरी ओर, मुझे थोड़ी प्यास भी लग रही है यार, पानी पीना है। आ जाओ विनीत। तो रामगंगा डैम है, जो ये रामगंगा है इसके टोटल जो है 20 गेट हैं। फर्स्ट गेट ये है इसका, और सामने लास्ट में जो है ये 20वां गेट है, देख सकते हो कितना लंबा है। आ चुका हूँ अभी डैम के जो है आगे का हिस्सा, ये है, ये नहर के जो है 5 गेट हैं, देख सकते हो 5, 4, 3, 2, 1, ये देख सकते हो। गाइस गेट में को देखो कितनी तेज़ी से पानी निकल रहा है, जो नहर के जो गेट हैं 5, उसमें को देखो 5 के 5 में से जो है पानी निकल रहा है। पाँच के पाँच गेट में से बराबर पानी निकल रहा है, और सामने को ये इधर से जा रहा है, वो कितनी तेज आवाज़ आ रही है भाई पानी की। अभी हमने इस नल का जो है पानी पिया है, और भाई काफ़ी ठंडा है, एकदम मज़ा आ गया भाई गर्मी में पानी पीने में। और यह कुछ फुहारा जो अब जो है वर्क नहीं करता है। गाइस डैम के जो आगे से पानी निकल रहा है वो ऐसे निकलता है भाई, देख सकते हो कितनी आवाज़ आ रही है। और ये है मेरे पीछे में जो इस डैम का जो है ऑफिस है, ऐसा दिखता है भाई। गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।